हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का व्लॉग उज़्मा के नाश्ते से। वो अभी जा रही हूँ उज़्मा को नाश्ता देने के लिए और खाने में बना रही हूँ। दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ खाने में। पहले मैं एग को छील लेती हूँ क्योंकि ये सब्ज़ी जो है ना वो मैंने बनाने के लिए चढ़ा दी है। तो हमारी उज़्मा का सुबह का नाश्ता रहता है, दो एग रहते हैं और पार्ले जी बिस्किट एक पैकेट और थोड़े से मखाने। तो ये रहता है उज़्मा का डाइट सुबह की नाश्ते की। और दो अंडे मैंने रेहान फार्म के लिए उबाल के रखे हैं, तो वो भी अभी कोचिंग से आएंगे तो वो भी खाते हैं सुबह के नाश्ते में अंडे। तो बस यहाँ पर चाची भतीजों की तो मौत चल रही है, उज़्मा को टाइम से जगह पर नाश्ता मिल जाता है। और बस अभी हमारा यही चल रहा है सुबह का। और एक कमेंट और आया था मुझे, तो वो आया था मुमताज बानो। तो उन्होंने भी कहा था दुआ के लिए कि आप मेरे लिए भी दुआ करिएगा। तो वैसे मैं सभी के लिए दुआ करती हूँ पहली बात तो, और स्पेशली उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी उनकी नेक मुरादें हैं वो पूरी हों और अल्लाह ताला उनकी भी दामन में खुशियाँ भर दें। तो बस यही दुआ करती हूँ। तो सब्ज़ी भी बन रही है कड़ी, और कड़ी में धनिया पत्ती और थोड़ी सी प्याज ऐड करना बाकी है। तो बस आज खाने में बन रही है हांडी कड़ी मेरी स्टाइल में। तो बस कल बच्चों ने बोल दिया था कि मम्मी कल कड़ी बनाना खाने में, तो वही बन रही है। तो फटाफट पहले उज़्मा को नाश्ता देकर आती हूँ, फिर करती हूँ हमारी कड़ी की प्रोसेस। तो यहाँ पर चाय रखना तो मैं भूल ही गई। उज़्मा के नाश्ते का मेन हीरो है चाय और एग। एग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं सुबह के नाश्ते में, नए मेहमान की माँ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो मैं इस पर काले नमक वगैरह डालकर देती हूँ उज़्मा को, और मखाने पर भी काला नमक। देखें, आपसे बात करने के चक्कर में ना मैं इस पर भी नमक डालना भूल गई। तो बस फटाफट देकर आती हूँ उज़्मा को, जिससे उज़्मा का नाश्ता हो जाएगा सुबह सुबह। मैं आ गई हूँ पकौड़ियों की तैयारी करने के लिए। खोल बना के रख रही हूँ, कड़ी बनेगी तब तक ये भी अच्छी तरह से रेस्ट हो जाएगा, फूल भी जाएगा, और मैं आटा वगैरह लगाऊंगी। तो गाइस, खाना मेरा सुबह सुबह इसलिए बनता है क्योंकि आप लोगों को पता ही है अभी जी खाकर जाते हैं खाना, नाश्ता और खाना दोनों साथ ही होता है उनका, तो इसलिए मुझे सुबह सबसे पहले खाना बनाना होता है। हो गया है रेडी और पकौड़ियों को फ्राई करना मैंने शुरू कर दिया है। और अभी जी आ चुके हैं नहाकर खाना खाने के लिए, नाश्ते के लिए, और हमारी कड़ी नहीं हुई है रेडी। तो बस बीच बीच में और भी काम रहते हैं मुझे, जैसे कड़ी बना रही हूँ, साथ ही उज़्मा को नाश्ता निकाल रही हूँ, फिर मम्मी को भी दे रही हूँ, तो इस तरह से बीच बीच में काम लगते रहते हैं, तो मेरे ये वाले काम जो है ना वो लेट हो जाते हैं। तो खैर कोई नहीं, करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हमारी कड़ी में पकौड़ियाँ मैंने ऐड कर दी हैं और तड़का रेडी है कड़ी में डालने के लिए, मेरी पकौड़ियों वाली कड़ी, और डालती हूँ इसमें तड़का। तो ये देखें, तड़का वड़का लगा कर गार्निशिंग कर कड़ी हमारी बिल्कुल से रेडी हो गई है। और पक्का बहुत सारे लोगों के मेरी कड़ी देखकर मुंह में आने वाला है पानी, और कुछ लोग बनाने वाले हैं, और किसने बनाई ये बताना ज़रूर। तो चलिए फटाफट आटा और लगा लेती हूँ, आटा भी मैंने निकाल कर रख लिया है। तो गाइज़, आज हमारे नन्हे मेहमान के बाल कट रहे हैं, उसके लिए मैंने हल्दी ली है और आटा ये उन्होंने मंगवाया है जो भैया बाल काटेंगे। तो बस अभी जा रहे हैं और नन्हे मेहमान को भी लेकर आ रहे हैं हम, पहले ये देकर आती हूँ बाहर फिर उसको लेकर जाऊँगी। तो गाइज़, मैं वो सारा सामान तो रख आई हूँ, अभी मम्मी ने बताया कि ये आटा और गुड़ वगैरह ये भी निकाल रही हूँ मैं। तो खाना वगैरह तो बन गया है और नाश्ता भी सभी लोगों का हो गया है, और ये बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि आज हमारे नन्हे मेहमान के बाल कटिंग वगैरह होनी है। तो सारा कुछ रेडी कर लिया है और भैया अभी गए हैं बाल कटिंग करने के लिए। तो बस फाइनली आज हमारे नन्हे मेहमान की बाल कटिंग हो रही है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि हमारे नन्हे मेहमान को कहीं से चोट ना लग जाए। तो मैं बोल भी रही हूँ भैया को, तो भैया कह रहे हैं कि नहीं आप टेंशन मत लो, बस 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 धीरे धीरे चलाओ अभी अपना। नहीं नहीं, ब्लेड इतना हाई फाई लगाया भैया, क्या हो गया? तो सब जमीन लगा हमारे आज से भाई, पापा थे कब से आ रहे हैं आज से नहीं ऐसे आ जाते हाँ, तो मेरे से पिटाई लगाने आ गए बेटा जी। हाँ
क्या हो गया? तो बस गाइज अभी जो हमारे नन्हे मेहमान के बाल ये कट जाएंगे ना, इसके बाद हम 5 साल तक हमारे नन्हे मेहमान के बाल नहीं कटेंगे, फिर जाएंगे अजमेर लेकर, तब अजमेर में कटेंगे और देखें फाइनली हमारे नन्हे मेहमान की कटिंग हो गई है। तो बस हमारे नन्हे मेहमान के सारे बाल कटिंग तो हो गई है, अभी ले जा रही हूँ नहलाने के लिए। बड़ी अम्मी की पिताई लगा देंगे अपन, जरा दो महीने की बात है। निकल ले, निकल ले, चलने के लिए करवा दिया मुझे तब। हाँ मुझे आ रही और मैं अधी बाबा जी के छाबू से नाई नाई करता हूँ। अधी बाबा जी के छाबू से नाई नाई, अधी बाबा जी का छाबू नहीं है। हाँ लोना नहीं डर लगता है तो ये मिलो। हाँ लोना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैंने नहाई नहाई कर ली, नहाई कर ली है माले पाले बच्चे ने, छोटे बेबी ने नहाई नहाई कर ली, पाले पाले बच्चे ने, बड़ी अम्मी को पूरा गीला कर दिया। हाँ देखें इसको नहलाने में मैं पूरी गीली हो जाती हूँ, देखें। बड़ी मम्मा को पूरा गीला कर दिया, पूरा गीली हो गई बड़ी मम्मा, पूरी गीली हो गई। हाँ चलो चले, जल्दी से रेडी होते हैं फिर मिलते हैं सबसे। नहा लिया हमारा नन्ना मेहमान और रेडी भी हो गया है। देखो मौनी बुआ, मैंने फर्स्ट टाइम काजल लगाया है, बड़ी मम्मा ने लगाया। अस्सलाम वालेकुम मौनी बुआ। तो गाइस अभी आ गई है मेरी खाला सास और मैं आ गई उनके लिए नाश्ता लगाने के लिए। यहाँ पर नाश्ता मैंने निकाल लिया है और चाय रख दी है बनने के लिए, तो चाय बन रही है। क्या लाऊं खाना? तो गाइज ये वही वाली खाला है जिनके लिए मैंने सूट वगैरह चूड़ियाँ वगैरह खरीदी थी ना, मैंने दिखाया था आप लोगों को कि अपनी खाला सास के लिए ले रही हूँ, वही वाली खाला है ये, बहुत अच्छी है। और गाइज मम्मी की कजन सिस्टर है ये। तो गाइज अभी आ गई हूँ मैं हमारे नन्हे मेहमान के इस गिफ्ट को ओपन करने के लिए और बता देती हूँ कि हमारे नन्हे मेहमान को ये गिफ्ट किसने भेजा है। तो गाइज ये भेजा है हमारे नन्हे मेहमान का पहला गिफ्ट है और ये गिफ्ट भेजा है सोनावाजी ने देवली से, हमारी अप्पी की ननद ने उन्होंने भेजा है। तो अभी मैं उसको ओपन कर रही हूँ और देख रही हूँ कि उन्होंने क्या भेजा है। गिफ्ट तो बहुत बड़ा है हमारे नन्हे मेहमान के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको खोलने के लिए, इसे ओपन करने के लिए। लेकिन ना गाइज मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम कम और काम बहुत ज़्यादा है, तो अभी मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा है कि अभी मैं निकाल कर देख लेती हूँ, उसे ओपन कर लेती हूँ कि क्या भेजा है सोनावाजी ने और क्या है। और तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सोनावाजी हमारे नन्हे मेहमान के लिए ये गिफ्ट भेजने के लिए। अरे वाह ये तो बहुत प्यारा लग रहा है, देखते हैं। अप्पी का भी कॉल आया था, वो भी पूछ रही थी भाभी ओपन करा क्या भेजा है बाजी ने, देखा आप लोगों ने? मैंने कहा अभी नहीं देखा, अप्पी मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैंने उनसे भी बोला था। तो बस अभी मैं निकाल लेती हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखें ये कुछ इस तरह से है और अप्पी बता रही थी कि शायद ये बेड भी बन जाए, हाँ इस तरह से बनेगा। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है, हमारा नन्हा मेहमान इसमें लेटेगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है ये। ध्यान तो ये देखें, ये हमारे नन्हे मेहमान का बेड भी है और सोफा भी है, तो इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये सोफा बन जाएगा नन्हे मेहमान के लिए, और इस तरह से खोल देंगे तो ये बेड बन जाएगा। बहुत बहुत प्यारा गिफ्ट है सोनावाजी, आपने बहुत प्यारा गिफ्ट भेजा है, एक बार फिर से थैंक यू। और अभी लिटाकर देखती हूँ अपने नन्हे मेहमान को और बाकी लोगों को दिखाती हूँ कि कितना प्यारा गिफ्ट भेजा है सोनावाजी ने। बस फिलहाल इसे ओपन करना था और ये कल से रखा है मैंने, इसे आज ओपन किया है। फिलहाल अभी मैं ये सारा कुछ रख देती हूँ और दिखाती हूँ उज्मा को ले जाकर। बहुत प्यारा लग रहा है। देखें नन्हे मेहमान को हमने लिटा दिया है, जो सोनावाजी ने उसके लिए सोफा एंड बेड भेजा है उस पर। तो देखें हमारा नन्हा मेहमान खूब अच्छे से लेटा है, खेल रहा है माशाल्लाह उसमें। तो बस अभी ये सोकर जगे हैं। उसमें कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है ना। पुप्पी को थैंक यू बोल दो। थैंक यू, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को, मेरी तरफ से मैं बली मम्मा का नन्ना मेहमान हूँ, सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया पुप्पी आपका मेरे लिए फर्स्ट गिफ्ट भेजने के लिए, अल्लाह हाफिज़। ये मेरी राजकुमारी कहाँ बैठी है ये देखो। हमारे नन्हे मेहमान के सोफे पर बैठी है जो सोनावाजी ने गिफ्ट किया है। ये देखें सफाई चल रही है यहाँ बैठकर, इसको नहला दिया है मैंने,
तो नहा धोकर साफ सुथरी होकर यहाँ बैठकर अपनी सफाई कर रही है। ये देखें आजकल ना इनने उज़्मा के रूम में कब्जा कर लिया है, दोनों यहीं रहती हैं, यहीं सोती हैं। इन्हें सुकून बहुत पसंद है, ये ज़्यादा गोदियों में आना पसंद नहीं करती, बस ये यहीं बैठना पसंद करती है। हमारी जेरी है ना, जेरी आई मेरा जेरी, जेरी जेरी पाला बच्चा, सबको सलाम कर लो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स को, अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली को सलाम करो जल्दी से। जेरी जेरी तो अपनी सफाई में लगी है बस, जेरी जेरी बस गाइस अभी रेडी होकर निकल आई हूँ, नन्हे मेहमान को लेकर जा रही हूँ एक बार फिर से ब्लड टेस्ट के लिए। एक बार तो भैया घर से सैंपल ले गए थे और आज उन्हें टाइम नहीं है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं क्योंकि कल जाना है आगरा उज़्मा के चेकअप के लिए। फर्स्ट बार निकला हूँ मैं अपनी बड़ी मम्मा के साथ घर से बाहर। तो गाइज ये जो मोमेंट है ना और ये जो पल है ना, इसे मैं कैद करना चाहती थी और अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया यूट्यूब की वजह से। आज यूट्यूब पर जो मैं वीडियो डालती हूँ उसकी वजह से हमारे नन्हे मेहमान की हर एक पिक्चर को मैं शूट कर पा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे नन्हे मेहमान को लेकर जा रहे हैं फर्स्ट टाइम बाइक पर क्लिनिक पर। यहाँ पर हमें ब्लड सैंपल देना है वहीं पर, तो बस अभी हबी जी ने कॉल कर दिया है, भैया आ रहे हैं बाहर, फिर मैं अंदर जाऊंगी। और ये रहा नन्ना मेहमान, फर्स्ट टाइम मेरे साथ बाइक पे सफ़र किया उसने बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, रियान फरहान का बचपन याद आ गया। खैर रियान फरहान को तो मैं कभी ऐसे लेकर नहीं गई हूँ क्योंकि अब भी ये लोग थी तो यही लोग लेकर जाती थी, मैं नहीं जाती थी बच्चों के साथ कभी भी कहीं भी। तो बस अभी नन्हे मेहमान को लेकर आई हूँ और ये भाई साहब सो गए, बस अभी मैं जा रही हूँ अंदर हमारे नन्हे मेहमान को लेकर और सबसे पहले करवाऊँगी उसका वेट क्योंकि मम्मी ने बोल दिया था कि अब लेकर जा रही हूँ क्लिनिक पे, तो एक बार इसका वेट भी करवा लेना नन्हे मेहमान का। तो वही वेट मशीन पर मैं रख रही हूँ हमारे नन्हे मेहमान को जिससे कि इसका वेट हो जाए। हमारे नन्हे मेहमान का अभी ले जा रही हूँ ब्लड टेस्ट के लिए, भैया उसका सैंपल लेंगे। बस अभी मैं रूम में लेकर आ गई हूँ उसको और उसका सैंपल देने के लिए, तो बस अभी भैया सैंपल लेंगे और बार बार जांच हम लोग इसलिए करवा रहे हैं जैसे कि हमें पता चल जाए पीलिया बढ़ तो नहीं रहा है ना, कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए तो सुबह की धूप में दिखाती हूँ, तो अभी धूप नहीं निकल रही है एक दो दिन से बारिश की वजह से, तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि भाई एक बार जाँच करवा लेते हैं तो उसमें क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई कम हो रहा है कि बस 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 हो गया हो गया हो। पहले बेबी का सैंपल ले लिया, यह है ब्लड सैंपल और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो बस गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, जल्द लौट कर आऊँगी इसी तरह से अपने नन्हे मेहमान के साथ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।